दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज मैं ट्रांसफार्मर जनरेटर मोटर के बारे में नहीं बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा कि वायर के जॉइंट जो है कितने तरह के होते हैं, जैसे कि स्टैटिक और टी टाइप वगैरह। तो आज हम बात करेंगे 11 kV के कंडक्टर की जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, अगर वो बाई चांस किसी कारणवश टूट जाता है तो उसको हम किस तरह से जॉइंट लगाते हैं और जॉइंट किस टाइप का हो। मोस्टली स्ट्रेट टाइप का हम 11 kV कंडक्टर में यूज़ करते हैं। कंडक्टर को जोड़ने से पहले जहाँ से कंडक्टर टूटा है कम से कम 20 सेंटीमीटर का जो ओवरलैपिंग करना है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के मतलब ऊपर रखना है। और हमने जो ये कंडक्टर जो है ASCR कंडक्टर है जिसमें एक स्टील का जो वायर रहता है इसको काफ़ी मजबूती देने के लिए एक वायर हमने इसमें से उठाना है और इस तरह से हमने उसको टर्न कर देना है, लपेट देना है और थोड़ा सा हमें इसको तोड़ देना है ताकि ये बिल्कुल दिखने में स्मूथली लगे और मतलब अच्छा लगे। और दूसरे वायर को हमने निकालना है और इसको एज इट इज लपेट देना है। इसी तरीके से हमने तीसरा एक और वायर लेना है कंडक्टर में से ही ऐसे, और उसको भी हमने ऐसे ही लपेट देना है। यह है दोस्तों स्टील वायर और इसको हमने ऐसे ही तोड़ देना है, ये लिपटेगा नहीं, इसको तोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद बचे दो, ये लास्ट वायर जो हमें, ये भी हम इसी तरह से ही इसको लपेट देंगे कंडक्टर पे। दोस्तों दूसरी साइड में भी हमने इस तरह से ही एक वायर को उठाना है और इस तरह से एज इट इज इसको लपेट देना है। दोस्तों टॉपिक ये भले ही छोटा है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हम 11 kV के कंडक्टर ही ज्वाइंट करेंगे, ज़रूरी ये है कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको हो सकता है कि 25 mm की जो केबल रहती है हमारी उसको ज्वाइंट करना पड़े और आप इसी टेक्निक से स्ट्रेट जॉइंट लगा के उसको जो है जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप एक साइड में देख पा रहे हैं ये 35 mm स्केयर का केबल है, अगर आपको ये जोड़ना पड़ जाए तो आप इसी टेक्निक से यही तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। और दोस्तों ये जो जॉइंट है वो ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादातर यूज़ होने वाला ज्वाइंट है, बहुत ही पॉपुलर है, सेफ भी है और बहुत ही मजबूत भी है। कंडक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खिंचाव रहता है और खिंचाव के लिए स्ट्रेट जॉइंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक स्टील की वायर है, इसको हम तोड़ देंगे उसी तरीके से, दो लास्ट में दो वायर बचते हैं और हम इसको भी लपेट देते हैं। और ये बन गया आपका स्ट्रेट जॉइंट, बनके तैयार है बिल्कुल अच्छे तरीके से।